यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के किसानों को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की चर्चा की। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमने तय किया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कच्चे माल की लागत कम हो, किसानों को पैदावार का उचित मूल्य मिले और फसल पैदावार में नुकसान कम हो। रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत मिले, इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो, इसके लिए आज फसल बीमा योजना है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती थी, लेकिन अब किसानों को आसानी से खाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के लिए 100% नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध है। तो पीएम मोदी ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं आज किसानों के साथ में। नरेंद्र मोदी ऐप नमो ऐप के जरिए किसानों से को संबोधित किया, किसानों से के सामने सरकार की ओर से क्या कुछ योजनाएं उठाई जा रही हैं किसानों के हित में, इसको लेकर भी बात की और साथ ही किसानों से भी यहां पर उनका पक्ष जाना कि उनको सरकार की नीतियों से कितना लाभ पहुंचा है, उनको कितना बदलाव जो है वो खुद महसूस कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से नमो ऐप के जरिए जो बड़े बड़े दावे किए उसको लेकर आज सवाल ये कि मोदी के दावों में कितना दम है। बड़ा सवाल जो दावे आज किए गए, किसानों से बात करते हुए क्या किसानों के बारे में सोच रही है मोदी सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वाकई में गंभीरता से सोचा जा रहा है, क्या किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है वो संभव है जो बात कही जा रही है सरकार की। किसान नीति से आप कितने संतुष्ट हैं ये भी आप हमें जरूर बताएं। मोदी के दावों में कितना दम है, आप जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जय से सुनील हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका सुनील, बात रखिए अपनी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ मैडम, ये जो मोदी जी ने जो अभी, हेलो जी जी सुनील। हाँ देखो, मोदी जी की बातों में जो दम वाली तो मतलब जो है कोई शक ही नहीं होना चाहिए, ये दो बोलते हैं दम से ही बोलते हैं जी। एक बात, दूसरी बात तो अगर ये मोदी जी ने किसानों के बारे में ये सोचा है तो मंथन करके फिर मंथन करके और फिर कोई डिसीजन लेते हैं, और वो उनका जो डिसीजन होता है वो कोई कच्चा नहीं होता है। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, अगर मोदी जी ने ऐसा किया तो जय जवान जय किसान का नारा जो है, अभी तक जो जय जवान का तो नारा हो गया, अभी जय किसान का नारा भी साकार होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। और जहां तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जी, ये कुछ अंश जो है ये बता रहे हैं टीवी में कि कुछ अंश लागू हुए हैं, अगर ये पूरी तरह लागू हो जाए तो इसमें किसानों का बहुत लाभ होगा। मैं जी, चलिए बहुत शुक्रिया सुनील अपनी बात रखने के लिए। तो सुनील कहते हैं कि पीएम मोदी ने अगर कहा है तो जरूर वो ऐसा कर दिखाएंगे। उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं बल्कि पूरे दमखम के साथ में वो इस तरह की बात करते हैं। बाकी दर्शक क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोन मिलाइए, जुड़िए हमारे साथ देश की आवाज के इस मंच पर, फोन मिलाकर हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें और अपने सुझाव आप देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी ने आज जो दावे किए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दावे किए हैं आज, क्या उनमें वाकई में दम को नजर आता है? सवाल ये, साथ ही सवाल ये भी कि किसानों के बारे में मोदी सरकार सोचने की बात करती है, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा हो पाना मुमकिन है? दिनेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका दिनेश, बात रखिए अपनी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं भी किसान हूँ, मैं इस चीज को भलीभांति जानता हूँ कि मैं कई वर्षों से जिस स्थिति में हूँ उसी में हूँ जी। किसान की दम पर देश तो खड़ा हुआ है, भुखमरी से बचा हुआ है। मैं अभी सुन रहा था जी कि लागू और मोदी जी ये बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही तो सबसे बड़ी समस्या है। सरकार साहूकार की पोजीशन में है मैडम, किसान क्लाइंट और कर्जदार के रोल में है। अमानक बीज उसे मिलता है, अमानक खाद मिलता है, बीज डीजल पेट्रोल 40 वर्ष में रासायनिक खादों की कीमत लगातार वृद्धि हुई है, उसकी औसत में कृषि उत्पादन जो हुआ है उसका मूल्य बहुत कम है,
किसान की मेहनत की वजह से भुखमरी से तो देश बचा है, लेकिन नहरों, तालाब और डैमों से समय पर पानी नहीं मिलता। बिजली अत्यधिक लगातार महंगी हुई है। शरद या जो कृषि मंत्री जो थे पुराने, जो उनके समय में मैंने एक 20 वर्ष का खाका भेजा भी था, बीमा योजना जी, जी काम किसान को लाभ, चलिए इम्प्लीमेंटेशन का आप कह रहे हैं कि किसानों को लाभ, इम्प्लीमेंटेशन जो है सही से नहीं होता, इसीलिए किसान तक लाभ नहीं पहुंचता है। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए दिनेश। सन्नी हमारे साथ सोनीपत से, अगले दर्शक फोनलाइन पर हैं, स्वागत है आपका सन्नी, बात रखिए अपनी। सन्नी आवाज मिल पा रही है आपको? जी सन्नी क्या कहेंगे आप? कच्ची झूठ बोलता जी ये बीजेपी सरकार है जी। चलिए बहुत शुक्रिया सन्नी अपनी बात रखने के लिए। तो झूठ जो है बीजेपी सरकार बोल रही है, ये सन्नी कह रहे हैं हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, वीरेंद्र स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हम जो कह रहे थे मोदी जी जो कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं 2022 तक, जी ये बात इनकी सिरे नहीं है, क्योंकि ये किसी के हमदर्द नहीं है। ये तो केवल वोट की राजनीति के लिए लोगों को झूठ बोलकर उनसे वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इनकी चाल को, क्योंकि ये किसी से कोई हमदर्दी नहीं, किसी किसान से ना जवान से, आज देश का जवान और किसान दोनों ही मर रहे हैं जी। इसलिए चलिए बहुत जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए वीरेंद्र। तो वीरेंद्र कह रहे हैं कि किसानों को लेकर, हालांकि वोट से उन्होंने जोड़ा कि वोट लेने के लिए इस तरह की बातें जो है कर रही हैं, वाकई भी किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही है। बाकी दर्शक क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। बताएं हमें क्या आपको लगता है कि मोदी के दावों में दम है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये लक्ष्य है सरकार का और इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई और योजनाएं हैं जो उन्होंने गिरवाई, कई नीतियां हैं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है। आपको लगता है अगर आप किसान हैं कि आप तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, जो नीतियां बनाई जाती हैं क्या वो आप तक पहुंचती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आय, जो किसान है, आपकी आय 2022 तक दोगुनी वाकई में हो जाएगी? क्योंकि अगर अभी से बदलाव देखा जाएगा तभी तो 2022 तक दोगुनी हो पाएगी। तो किसान क्या सोचते हैं, किसान भी हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए हमारे साथ, अपनी आवाज उठाएं, बात रखें, हम तक जो है अपनी बात पहुंचाएं, ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचे। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए है, खबरें अभी तक माध्यम बन रहा है आपकी आवाज को सरकार तक ले जाने के लिए। जगदीश हमारे साथ अगले दर्शक फोनलाइन पर है, हरियाणा से, स्वागत है आपका जगदीश, बात रखिए अपनी। जी हमें अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा जी सरकार से जी। जी आगे देखो क्या मिलता है, अभी तो कुछ नहीं है जी, खोखले दावे कर रहे हैं जी। चलिए बहुत शुक्रिया जगदीश अपनी बात रखने के लिए। तो खोखले दावे जगदीश बता रहे हैं और वो कहते हैं कि अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जिस तरह की बातें कही जाती हैं, खोखले दावे जो है जगदीश बता रहे हैं। बाकी क्या सोचते हैं दर्शक, क्या सोचते हैं किसान, क्या सोचते हैं, जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमें बताएं क्या आपको लगता है कि किसान की जो नीतियां हैं उससे किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो लगातार आत्महत्या करने के आंकड़े बढ़ रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, कहते हैं कि उनकी जो आमदनी है उसमें कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार कहती है 2022 तक दोगुनी आय कर देंगे, दोगुनी आमदनी कर देंगे। ऐसे में किसान क्या सोचते हैं, जरूर फोन करके हमारे साथ जुड़कर बताएं अपनी राय। नरेश हमारे साथ महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका नरेश, बात रखिए अपनी। विरोधी है तो मोदी सरकार ले आएगी 130-150 अगली बार जी। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश अपनी बात रखने के लिए। तो मोदी सरकार नहीं दे सकती है, इसलिए सरकार बदलने की बात कह रहे हैं नरेश। बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। दिलबाग हमारे साथ है अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका दिलबाग, बात रखिए अपनी। मैडम जी ये जो मोदी जी कह रहे हैं 4 साल तो इनको बने हुए होगा जी, अब की बात इसके बाद वो क्या करेंगे जी, या इसके भी फालतू टाइम इनको चाहिए जी किसानों के लिए। नहीं तभी तो वो चाहते हैं 2022 तक अगर सके जी, हाँ 4 साल में नहीं कर सके तो जी इसके पास क्या दादू भी छड़ी है जो 2022 में जी ऊपर को घुमा देंगे और सबकी आय डबल हो जाएगी जी। सही आपने पॉइंट जी, ये सिर्फ जुमलेबाजी है जी, इनकी कोई कुछ नहीं है किसानों के साथ, इनका कोई लेना देना नहीं है जी। जी चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो किसानों के साथ इनका जो है कोई यहाँ पर एक पक्ष नहीं, किसानों के साथ नहीं जुड़े हैं, हालांकि उन्होंने कहा बस ही एक बात जो है कही गई उनके ओर से कि अभी 4 साल हो गए हैं, अभी तक अगर सुधार नहीं किया है तो फिर कैसे अगले जो है 2022 तक करने की बात करें, 2018 जो है आधा खत्म हो चुका है, ऐसे में किस जादू की छड़ी के साथ में किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
सतबीर हमारे साथ हैं हरियाणा से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका सतबीर। खाद है, तेल है, जो किसानों पर मार पड़े बाद दुगुनी कर देगी और दुगुनी आय के कर देगी सरकार है जी। हाँ जी, एक बार फिर से अपनी बात दोहराई सतबीर। हाँ, तेल बता देगा दुगुना, खाद दुगुनी कर देंगे, एलपीजी दुगुनी कर देंगे, किसानों पर मार, बैंक भी तीन तरह के कर्ज लगा, महंगाई की मार जो है वो किसानों पर पड़ रही है। बहुत शुक्रिया सतबीर अपनी बात रखने के लिए। विकास नरवाना से अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका विकास, बात रखिए अपनी। मैडम जो ये मोदी जी के खोखले वादे हैं इनके, हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला जी। मैम जो ये मतलब मोदी जी खोखले वादे कर रहे हैं हरियाणा में, ऐसा कुछ भी किसानों के लिए नहीं किया उन्होंने जी। चलिए बहुत शुक्रिया विकास अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरह की बातें कही गई हैं, जो वायदे किए गए हैं, विकास कह रहे हैं कि अभी तक हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बाकी दर्शक क्या सोचते हैं, जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। ये मुद्दा सीधे तौर पर देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, देश का अन्नदाता वही किसान है जो जिसको देश का अन्नदाता भी कहते हैं, और साथ ही मोदी सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, क्या आपको लगता है सही दिशा में काम हो रहा है, क्या वाकई में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या किसानों तक उसका लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। जगबीर हमारे साथ हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर हरियाणा से, स्वागत है आपका जगबीर, बात रखिए अपनी। हाँ जी, अभी तक तो जी कुछ नहीं मिल रहा, ये बीमा वगैरह वो उनका कोई फायदा नहीं है ना जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए जगबीर। तो अभी तक तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बीमा वगैरह की अगर बात कर ले तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है किसानों को, ये बात जगबीर कह रहे हैं। सन्नी हमारे साथ हैं हरियाणा से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका सन्नी, बात रखिए अपनी। मोदी ने सरकार ने जी हरियाणा किसान मार कर गया, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलती है जी ये तो सरकार जी। हरियाणा किसान इसको तो मार दिया, हरियाणा किसान इसको जी मार दिया है जी। चलिए बहुत शुक्रिया सन्नी अपनी बात रखने के लिए। नारायण हमारे साथ फतेहाबाद से फोन लाइन पर, अगले दर्शक स्वागत है आपका, नारायण बात रखिए अपनी। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैं ये कह रहा था ये 2018 तक 4 साल हो गए, इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया और पेट्रोल डीजल खाद सब चीजें का भाव बता रखे। 2022 तक ये 19 में इलेक्शन दोबारा बढ़ने बाद में 2022 का तो अभी टाइम पड़ेगा मैम जी, क्या करेंगे ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो क्या करेंगे, 2019 की बात में जो है चुनावी साल है, 2022 तक कैसे दोगुना कर देंगे किसानों की आय को। कुलबीर सिंह हमारे साथ कुरुक्षेत्र से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से मैम सारे देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और खासकर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किसान के बारे में थोड़ा सा टाइम निकाला है जी। देखो मैम, आज परिस्थिति ऐसी है किसान की, देश बढ़ रहा है लेकिन किसान अभी नहीं बढ़ रहा। किसान को बढ़ाने के लिए जो इनकी नीतियां हैं, मैं चाहता हूं पूरा हरियाणा, पूरा देश के किसान अगर ये चाहता है कि कोई ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आए कि हमारे किसान को थोड़ी समृद्धि हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट में उनकी सहायता करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाए ताकि किसान आगे बढ़े। मैम देखो, आज की परिस्थिति में आप नजर मारिए, सभी देश के अंदर सभी लोग, सभी बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन किसान की स्थिति वहीं की वहीं। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो यही बात पीएम मोदी ने भी हालांकि आज कही थी जब संबोधन स्टार्ट किया था कि देश आगे बढ़ रहा है लेकिन किसान जो है वो उनका विकास नहीं हो रहा है। सुरेश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन नजदीक है इसीलिए किसानों की आय दुगनी करने का ही की बात की जा रही है जी। एक्चुअल में तो किसान पिस रहा है मैडम, सबसे ज्यादा महंगाई की मार जो है किसान पे पड़ रही है जी। जहां किसान ऊपर उठना चाहिए और नीचे ही जाता जा रहा है, और हर चीज के दाम, चाहे तेल है, चाहे कोई भी चीज महंगाई, खाने की चीज है, पीने की, कोई भी चीज है, महंगी होती जा रही है। और किसान की आय दुगनी करने की जहां बात है उसके उल्टा काम हो रहा है मैडम। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।
सतीश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर कैथल से, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी सतीश। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी मैम, ये सब बकवास कर रहे हैं जी, इलेक्शन आ रहे हैं जी, ऊपर तो और कुछ नहीं जी, एक कुछ नहीं करते जी, गरीब आदमी आ रहा है तो जमीन कुछ करते जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए सतीश। तो चुनाव आ रहे हैं इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं, सतीश मानते हैं। और इससे पहले जो हमारे साथ दर्शक ऑनलाइन पर जुड़े सुरेश, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रहे हैं लेकिन किसानों की जो आय है वो उल्टा रिवर्स में जा रही है, पीछे जा रही है, उल्टा हो रहा है जो सरकार बात कह रही है उसके। और इसके साथ ही महंगाई की मार भी पड़ रही है किसानों के ऊपर और इसीलिए किसान पिस रहा है, आज देश का अन्नदाता जो है वो पिस रहा है। सुरेश हमारे साथ कुरुक्षेत्र से, दर्शक ऑनलाइन पर स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम जी। नमस्कार, हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को जी, और साथ ही साथ सरकार को भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, कोई इस प्रकार का कोई एक चैनलाइज होना चाहिए सिस्टम, जिससे सरकार को ये पता लगे, किसानों को ये बताया जा सके कि किस सीजन में कौन सी उपज किस तरीके से लेनी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसान भाई देखा देखी एक ही फसल को बहुत ज्यादा उगाते हैं और सरकार के पास भी इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं होता कि उसको अच्छी तरीके से, यानी आप कह रहे हैं कि किसानों को भी प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष जो है कैंप वगैरह सरकार को लगाने चाहिए ताकि किसानों को खेती की जानकारी मिल सके और सही तरीके से उनकी जो है खेती वो कर सके। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। बलविंदर सिंह हमारे साथ है अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैडम जी, मैं यह कहता हूँ की मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे हम 2022 तक जी, लेकिन अब किसान का जो टमाटर है वो मंडी में 2 रुपए किलो बिका, उसका लागत मूल्य 4 रुपए, मान लीजिए 2022 में वो 4 रुपए कर देते हैं, इतनी हमें लागत है तो लाभ कहाँ गया हमारा। ऐसी बात हमें, हम जो किसान लकड़ी की करते हैं, जो पिछली सरकार थी हमारा लकड़ी का जो रेट है 1200-1400 रुपए क्विंटल बिकती है, लेकिन आज 500-400 है, आप उसका फर्नीचर बनता है वो उसी रेट में लगे तो पिछले रेट। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है तो फिर किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी। हवा सिंह हमारे साथ है अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। किसान ना की सिस्टम तो इसी लुटी है के 3200 रुपए सिरसम बिकी है किसान की, किसान का भला कहाँ क्या क्रिया, गवर्नमेंट तो मार दी जा है, इस गवर्नमेंट ने तो भट्टा बैठा दिया किसान का। चलिए बहुत शुक्रिया हवा सिंह अपनी बात रखने के लिए। तो किसान जो है उनकी स्थिति नहीं सुधर रही है, सरकार ने तो और खराब कर दी है, ये बात हवा सिंह कह रहे हैं। हालांकि कि सरकार ने भट्टा बैठा दिया किसानों का, उनकी स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने भी ये बात कही कि किस देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं है, किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही है, इसीलिए कोशिश है कि किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। हालांकि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से लक्ष्य रखा गया है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। मूलचंद हमारे साथ हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से स्वागत है आपका मूलचंद, बात रखिए अपनी। मूलचंद आवाज मिल रही है आपको? हाँ बेटा बोलो जी, बात रखिए अपनी, फोन मिलाया आपने, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड। हाँ बेटा बात ये है, ये ठीक हो रहा है बेटा, जो हो रहा है ठीक हो रहा है बेटा जी, लेकिन बेटा ये भ्रष्टाचार जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपकी। टीवी की आवाज आप कम करके एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, जो हो रहा है सही हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि टीवी की आवाज ज्यादा थी, सभी दर्शक फोन करने से पहले अपनी टीवी की आवाज जरूर कम कर लें ताकि आपकी बात हम तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। और आज चूंकि मुद्दा सीधे तौर पर देश के अन्नदाता से जुड़ा हो जाता है तो इसीलिए बेहद गंभीर ये मुद्दा हो जाता है, क्योंकि देश का अन्नदाता ही अगर संपन्न नहीं है, सुखी नहीं है, तो फिर देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि मोदी सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, कई योजनाएं जो है गिनवाई जाती हैं, लेकिन किसानों पर उनका असर कहां हो रहा है ये देखना होगा। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है, सरका घाट मंडी से स्वागत है आपका, नागेंद्र सिंह नेगी जी, बात रखिए अपनी। अवंतिका जी नमस्कार, हिमाचल प्रदेश से नागेंद्र सिंह नेगी सरका घाट से बोल रहा हूँ। मैडम सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, आज गाँव तक शहरों में बहुत बुरी हालत है,
और नकली दवाइयां, नकली खाद और बीज पर लगाम हो, आड़ती और दलालों का जो नेक्सस है उसको तोड़ा जाए, उनसे निजात मिले। कृषि विभाग के अगर अधिकारी अगर खेत तक पहुंचे और स्वामीनाथन रिपोर्ट को अक्सर से अगर लागू किया जाएगा, तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत किसान का भला होगा, नहीं तो ये तो वोटों की उड़ान है, ये तो 2019 में खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए नागेंद्र सिंह नेगी, तो हमारे रेगुलर दर्शक हैं और लगभग हर मुद्दे पर जुड़कर अपने जो विचार हैं वो जरूर साझा करते हैं नागेंद्र सिंह नेगी। हमारे साथ अगले दर्शक विनोद हैं चरखी दादरी से, फोन स्वागत है आपका विनोद, बात रखिए अपनी। विनोद आवाज मिल रही है आपको? चलिए संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से आप जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि मुद्दा सीधे तौर पर जो है देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। अमन हमारे साथ है अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब सबके बारे में सोचते हैं जी, जैसे कि अपने सांसद हो गए, विधायक हो गए, इनका तो ग्रांट बता देते हैं। कौन सा ऐसा विधायक, कौन सा ऐसा सांसद है भाजपा का जिसने ये बोला हो कि मैं नहीं लूंगा? नहीं, ये तो किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी से विधायक या सांसद आपको नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि जब उनका ग्रांट बढ़ाया जाता है, वेतन को बढ़ाया जाता है, तो सभी जो है एक साथ एक सुर में आवाज मिलाने लगते हैं।